10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्मे 48 वर्षीय ऋतिक रोशन, जिन्हें वन मैन आर्मी भी बॉलीवुड का कहा जाता है, पिछली फिल्म वॉर में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। और अब आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि 2022 में विक्रम वेधा नाम की मूवी जो है ऋतिक रोशन की आने वाली थी, जिसके शूट में गंभीर चोट आई थी ऋतिक रोशन को। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन अपने डांस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और कभी भी वो अपना डांस किसी और से देखना पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा ही अपने मूवीज में स्टंट खुद ही किया करते हैं। बताया जा रहा है कि एक स्टंट के दौरान गंभीर चोट आई है ऋतिक रोशन को और वो मूवी के शूट छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर होने लगी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि ऋतिक रोशन को गंभीर चोट आई है, जिसके बावजूद उन्होंने लापरवाही दिखाई और अब उनकी चोट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें कि ऋतिक रोशन अपना इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर्जरी के दौरान कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि लोग उनके लिए दुआएं करें। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त जो भारतीय सिनेमा के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, उसने ऋतिक रोशन का निधन हो चुका है, ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक के बाद एक सभी फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं भारतीय निवासी। और इसके बाद जब ऋतिक रोशन की सेहत के बारे में जानकारी निकल कर सामने आई, तो लोगों ने ऋतिक रोशन के सेहत को लेकर भी मजाक बनाना शुरू कर दिया और बताया जा रहा था कि ऋतिक रोशन अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल आपको बता दें कि अभी भी ऋतिक रोशन का इलाज चल रहा है। अगर आपने कहीं से भी ये सुना है कि ऋतिक रोशन का निधन हो चुका है, तो उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।